हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिविक्स का चैप्टर 22 वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट की सरकार कैसे काम करती है। जो सरकार है इसका इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट को जो है 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से लेवल हैं? सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। ये इन्हें इसलिए डिवाइड किया है कि जो भी कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके अगर कोई अंदर की और बाहर की, इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी परेशानी है या किसी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ की के बीच में या लोगों के बीच में जो भी दिक्कत होती है उसे गवर्नमेंट जो है वो सॉल्व कर सके। अब जो है हम पढ़ेंगे पहले स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। क्या काम देखती है? वो लुक आफ्टर, देखभाल करती है जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी काम होते हैं स्टेट से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल का हो, सफाई का हो, हेल्थ का हो, बिजली का हो, पानी का हो, कोई भी कैसी भी फैसिलिटीज़ देनी हो स्टेट के अंदर। जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है तो वो सारा काम हमारी कौन सी गवर्नमेंट देखती है? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो कि CM होते हैं हमारे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जिसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी व्यक्ति 18 साल का या उससे ज़्यादा का होता है उसे वोट देने का अधिकार इलेक्शन में मिल जाता है, ऑर्डर टू वोट। उसके बाद इसका नेम जो है सजेस्ट किया गया यूनिवर्सल राइट, इसका अर्थ है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सल राइट मतलब पूरा अधिकार। इट इज़ गिवन टू एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को दिया जाता है ये कंट्री के, किस लिए? कास्ट के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, धर्म का हो, उसकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, कोई भी उसका मेल या फीमेल हो, तो उसको सभी को जो है समान अधिकार दिया जाता है। किस चीज़ का? राइट टू वोट। किसके अंदर? यूनिवर्सल राइट के अकॉर्डिंग। अब जो है इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या होते हैं? चुनाव। कि इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्शंस कराने के लिए। ये पूरा प्रोसीजर जो होता है प्रोसेस कैरी करता है इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, मतलब पूरी तरह से फ्री होता है और सही तरीके से साफ, जिसके अंदर कोई भी गलती या कोई भी पार्शलिटी नहीं होती। पीपल जो होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंटली वोट देते हैं, जिससे कि उन्हें कोई भी धमका डरा कर अपना वोट ना दिलवा सके। ये सारा देख रेख होता है इलेक्शन कमीशन का काम करना। अब जो है ये सेटअप करता है, इसे सेटअप किया गया था 1950 में सबसे पहले, किस लिए? मैनेज करने के लिए इलेक्शन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो लोकल गवर्नमेंट हैं, पोजीशन है, और ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सारी जो हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस यूनिट आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारी जो हैं सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं। कौन कौन? ये हमने यहाँ पे पढ़े हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, द लोकल गवर्नमेंट पोजिशन ऑफिसर्स ऑफ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। ये आपने खुद से करना है, फोटो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से सर्च करने हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इलेक्शंस जो है कितने तरह के इलेक्शंस होते हैं? फर्स्ट है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन लोकसभा, सेकंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं और लोकल पंचायत के होते हैं। ये सभी इलेक्शंस अलग अलग के होते हैं। रिप्लेसमेंट मेंबर ऑफ फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव हु डाइज और रिजाइन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जगह पर कोई व्यक्ति के अचानक से रिजाइन दे दिया है या उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जगह दोबारा से इलेक्शन लिए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है? सबसे पहले जो इलेक्शन का टाइम होता है पोलिंग का वो होता है 7:00 AM से 6:00 PM तक। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं इस प्रोसीजर में, ऑफिसर्स और पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं, उन्हें साइन ले लिए जाते हैं, उनसे पहले उन्हें चार्ज दिया जाता है कि भाई आपको यहाँ पर ड्यूटी दी गई है, इस दिन आपको यहाँ पर पहुँचना है। पहले उनकी मीटिंग भी होती है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके बाद ही फिर उन्हें वोटिंग के लिए ड्यूटी दी जाती है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वहाँ पर सेटअप कराई जाती हैं। सिटीजन्स जो हैं, नागरिक जो हैं, उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो वोट देने के लिए आएँ। वोट देने के बाद उनके लेफ्ट जो सबसे छोटी फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर होती है, उसके ऊपर एक मार्क लगाया जाता है इंडेलिबल इंक से, जिससे कि वो सिर्फ वन टाइम ही वोट दे सकता है। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो पहले के बैलेट पेपर्स थे, पहले बैलेट पेपर होते थे, कागज़ पर स्टैंप लगाई जाती थी, उन्हें यूज़ किया जाता था वोटिंग के लिए, तो उनमें जो है काफ़ी गलती भी होती थी, छेड़खानी भी हो जाती थी, कम ज़्यादा भी हो जाता था। तो इसके बाद फिर मशीन आ गई थी, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जो है इंडेलिबल इंक जो है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था इन द ईयर 1962 मैसूर कर्नाटका में। प्रोसेस क्या है इलेक्शंस की, क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलोअप किए जाते हैं? द इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया रिलीज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है सबसे पहले डेट रखता है कौन कौन से दिन को इलेक्शंस होंगे, उन्हें डेट को इशू करके, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उन्हें प्रोसेस सारा बताया जाता है, फिर डेट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, फिर रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर की जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जो भी मेंबर खड़ा होता है, वो अपने अपने क्या करता है, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर चूज़ करता है, और डिस्कशन होता है किस लिए कि फिलअप फॉर देयर नॉमिनेशन इन द इलेक्ट्रोलर प्रोसेस, कि वो वहाँ के नॉमिनेशन के लिए इलेक्ट्रोल प्रोसेस फुल करके आता है, फॉर्म फिल करता है, उसे फिर वहाँ के लिए चुना जाता है कि भाई वो वहाँ के लिए एबल है या नहीं है, जहाँ पर के जिसके लिए वो बोल रहा है, जिस क्षेत्र के लिए। डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के द्वारा बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, एंड अ लिस्ट ऑफ ओनली द एलिजिबल वंस इज रिलीज्ड। फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो लिस्ट को फाइंड आउट करके उनमें से एक को चुनाव घोषित कर देते हैं कि भाई इसको सीट मिल गई है। यूनिक एंड अप्रोप्रिएट सिंबल, फिर उन्हें अपने अपने सिंबल्स शो करने होते हैं कि भाई हम कौन सा चुनाव चिन्ह लगेंगे अपने अपने नाम के साथ में, कि भाई हम इस चुनाव चिन्ह के साथ वोट लड़ेंगे। पार्टी अपना चुनाव चिन्ह देती है, या जो मेंबर सेल्फ खड़ा होता है उसके अपना चुनाव चिन्ह होता है, रीजनल में अपना होता है। वोटर्स जो होते हैं अपना वोट डालते हैं, और डिक्लेयर डेट पर फिर जो है उस दिन वोट डालकर ईवीएम मशीन जो है सील कर दी जाती है और उसे काउंटिंग साइट पर भेज दिया जाता है। वोट्स आर काउंटेड ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द कमीशन। वोट्स जो हैं वो काउंट कर ली जाती हैं फिक्स डेट पर। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर कर देता है रिजल्ट को फिक्स डेट वाले दिन, और विनर जो होता है उसे रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली दे दिया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि कैसे सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना वोटर कार्ड लेकर।